जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल रैंकर्स गुरुकुल में। तो आज है मैथ्स फाउंडेशन डे का एपिसोड नंबर 10 और बहुत ही ज़बरदस्त बातें और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में आपका उन सवालों के साथ सामना होगा जिनका मतलब यूं बोलिए तो बहुत ही ज़्यादा तांडव रहा है इस बार के CGL और CHSL के पेपर में। साथ में MTS में भी कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। MTS के आंसर के आने के बाद भी हमने देखा कि ये सवाल के काफ़ी महत्व थे, इनका डेटा कितना कैलकुलेटिव था, इनके पैटर्न कितने कैलकुलेटिव थे, लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता होता तो आप इन सवालों को सेकेंडों में बना पाते। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको सही अप्रोच पता होता तो ये सवाल सिर्फ चंद सेकेंड के थे, ना कि कुछ मिनटों के। तो बात करते हैं पहले तो ये फाउंडेशन बैच है क्या, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, टाइमिंग जो बदली है वो नई टाइमिंग क्या होगी, एक एक चीज पहले आपको मैं वीडियो में 2 मिनट आपका समय लेकर मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, सभी को राम 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 राम, एक एक बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, ये जो मैथ्स फाउंडेशन बैच आपका यूट्यूब पर चल रहा है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। गेम चेंजर कैसे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार है जहां पर आपको कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है। ठीक है, एक सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, एक ड्यूटी नहीं निभाई जा रही, बल्कि उनको कायदे से कराया जा रहा है, क्वेश्चन को अपडेट किए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर शीट मिल रही है, एक एक बात। ठीक है, साथ में बात करें तो ये जो लेवल है इसका लेवल क्या रहेगा, आपको जैसे पता है कि प्रत्येक चैप्टर के लिए हम कितनी क्लासेस लगाने वाले हैं, तो कम से कम 5 से 7 क्लासेस लगाएंगे हम, और वो जो लेवल होगा वो 0 to 0 होगा, मतलब एकदम बिगनर स्टूडेंट को भी हर बात समझ में आनी है, और एकदम जो मेंस स्टूडेंट का भी है, जो मेंस लेवल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट है उनके लिए भी सेशन काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल बेसिक से क्लासेस होंगी तो बिगनर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, सभी एग्जाम्स के मैथ कवर होंगे, ऐसा नहीं है कि ये जो सीरीज है सिर्फ SSC को कवर करती है, बैंकिंग को नहीं करती है, बैंकिंग को करती है, रेलवे को नहीं करती। ठीक है, हर एग्जाम्स के लिए ये जो फाउंडेशन मैथ आपका फाउंडेशन बैच जो चल रहा है यूट्यूब पर वो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें किस किस एग्जाम्स को हम कवर अप करने वाले हैं तो एक बार अपनी नजरें दौड़ा लेते हैं सभी एग्जाम्स के ऊपर। सबसे पहले तो SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी कवर अप होंगे। उसके बाद बात करते हैं SSC फेज 9 के बाद GD हो गया, UPSI, IBPS, रेलवे, IBPS के जितने एग्जाम्स होंगे उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस के ये 2 एग्जाम्स हैं आपके, CDS और FCAT। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, CDS की तैयारी कर रहे हो, चूंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने खुद CDS 3 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है, और तीनों के बार में जो है वो कॉल लेटर घर पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा CGL में भी मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा है, SSC का ऐसा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो, है वो CGL है, CHSL है, ठीक है, या फिर CPO है। SSC CGL 2019 में मेरा जो स्कोर है वो है 644/700, यानी जरूर कोई इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो आपके भाई को मिलने वाली है फरवरी में। उसके अलावा जो है बाकी सभी एग्जाम्स को मैंने मेंशन कर दिया है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैच बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे तो सीरियल वाइज एक एक वीडियो आपको मिलते जाएगी। बहुत अच्छे से जो है वो काम हो रहा है इसके ऊपर, एक एक चीजों के ऊपर, एक एक वीडियो के ऊपर, तो आप जो है सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। इसके अलावा बात करते हैं हम तो एक छोटा सा आज जो एक, ठीक है, ऐसे ही मैं कंटेंट बना रहा था तो कंटेंट बनाते वक्त मुझे एक छोटी सी बात मिली, ठीक है, एक छोटा सा जो है ऐसा प्यारा सा पेपर का टुकड़ा मिला और उसमें जो है एक बात बड़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाइए मन की ही प्रतीत। ठीक है, अब इसका कहना क्या है, देखो इसका एक छोटे से बात बोले तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, ज्यादा हम आपका समय जाया नहीं करेंगे। देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर आए दिन तानों की ज्यादा बौछार होती है और सराहना लोग कम करते हैं। ठीक है, लोगों की बातें जो है वो ऐसी होती हैं कि जैसे गोली जितनी छल्ली ना करें ना उतनी उनकी बातें छल्ली कर देती हैं, और अपना मन का जो मनोबल है वो स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। अगर मन स्ट्रांग हुआ तो हम पेपर आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसी पर यह बात कही गई है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाइए मन की ही प्रतीत। एक छोटी सी कहानी है, स्पेन के बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, ठीक है, बचपन से ही उनका सपना था कि वो बहुत अच्छे फुटबॉलर बनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे गोलकीपर बनेंगे, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करते रहे बचपन से, वो काफी अच्छा जो है प्रयास करते रहे, कोचिंग ली काफी अच्छे तरीके से, कोच से कोचिंग ली, कोच का एकदम ये कहना था कि बेटा आगे चल के तू बहुत बड़ा फुटबॉलर बनेगा, बहुत बड़ा गोलकीपर बनेगा, और आगे चल के उनका जो सपना था वो रियल मैड्रिड जो है एक फुटबॉल की टीम है उसके जो साथ है उस टीम में खेलने का सपना था।
यूं समझ लीजिए कि वो सपना पूरा ही होने वाला था कुछ दिन के पहले, दो दिन तीन दिन, यूं कह लीजिए कि दो दिन तीन दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। तो उसी खुशी में जो है इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी, पार्टी रखने के लिए पार्टी एंजॉय करने गए, और पार्टी जब करके लौट रहे थे घर पे तो उसी समय इनका कार का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में इनका जो बॉडी है कमर के नीचे पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया। ठीक है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब उस सिचुएशन में इनको एक महीने बाद होश आता है आईसीयू में। जब इनको होश आता है तो इनके पेरेंट्स इनको बताते हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है नीचे का वो काम नहीं करेगा। तो जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ उस लड़के ने बचपन से लेकर अब तक जो मेहनत की थी उसने, जो उसका एक सपना था बहुत बड़े युद्ध स्तरीय स्तर पर फुटबॉलर बनने का, वो सपना उसका वहीं पर टूट जाता है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त, कहानी यहीं से शुरू होती है। उसने अपनी हिम्मत को वहां पर नहीं हारा, वहां पर वो रुकता नहीं है, वहां पर वो थकता नहीं है, वहीं से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। ठीक है, उसी हॉस्पिटल से वहीं से वो कुछ समय के बाद गाने लिखना शुरू करता है, अपने ही बोल में, अपने ही गीत में कुछ बातें। ठीक है, और सबसे पहला गाना जो है उनका यूट्यूब पर आता है, उनका इंटरनेट पर आता है और काफी ज्यादा वायरल होता है, और कुछ समय के बाद जो है वो स्पेन में बहुत बड़े एक सिंगर और एक राइटर बन जाते हैं, और उनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो उनका नाम आपको पूरा मिलेगा। तो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये जो दोहा है, ये इसी बातें में दर्शाती है कि अगर आप किसी चीज को लेकर काफी सीरियस हैं और अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, छोटी सी बात अगर आप पीछे रह जाते हैं, तो आप वहां टूटे नहीं हैं, आप वहां हारे नहीं हैं। इस बात का ध्यान देंगे, आपको हारना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। एमटीएस का जैसे रिजल्ट आया, बहुत बच्चे परेशान हो गए, मेरा नहीं हुआ सर, हम क्या करें। अरे भाई, नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुनिया थोड़ी उजड़ गई, पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तो इतने सारे पेपर बाकी हैं, निकाल लोगे, भरोसा तो रखो खुद पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अभी वक्त बहुत कुछ है अपने आप को संवारने का, उसमें जो है आप अपने आप को संवारिए, थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके साथ आपका बड़ा भाई खड़ा है यहाँ पे, जो भी चीज की सपोर्ट हो मैं आपके साथ हूं यहाँ पे, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, बिल्कुल। वॉइस की दिक्कत आ रही है मेरे भाई, वॉइस की दिक्कत आ रही है, वॉइस की क्या दिक्कत आ रही है बताइए। ठीक, तो आज का सेशन शुरू करें, आज का सेशन शुरू करें बताइए। चलिए, तो आज के सेशन के पहले आपको बता दें, ठीक, आज के सेशन को तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, और तीन कैटेगरी क्या है, वॉइस सही करो, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है एक बार बताएंगे। ऑडियो में क्या दिक्कत है भाई? सही है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं यहां पर कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन, देखो आज की वीडियो को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, और कैटेगरी नंबर वन है जहां पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम होगा। जरूरी नहीं है कि ये दो वस्तुएं हों, जरूरी नहीं है कि ये दो ही हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, यानी जब अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और उस पे किसी पे 10% का लाभ, किसी पे 20% का लाभ, किसी पे 30% का लाभ, ऐसे करके हो, तो आपको कुल लाभ कितना होगा। उसी तरीके से जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अलग अलग हो तो आप सवाल को कैसे बनाएंगे, और जब पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कैसे होगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर सही है, ठीक, तो फट रही है, तो एक बार चेक करते हैं, अब एक बार देखिए कि ऑडियो कैसा है तो आपको पता लग पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए जैसे मानिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और छोटे से एग्जांपल से आज के वीडियो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो वस्तु है, ये मेरी पहली वस्तु है और ये मेरी दूसरी वस्तु है। इनको हमने कुछ पर्टिकुलर सीपी पे खरीदा होगा और कुछ पर्टिकुलर सीपी पे हमने बेचा होगा। पहले का क्रय मूल्य सीपी वन है, दूसरे का विक्रय मूल्य जो है वो सीपी, ठीक है, यहां पर समझिए, ये पहले आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है। पहले आर्टिकल को आप एक क्रय मूल्य पर खरीदते हैं तो उसका सीपी वन हो जाएगा, और उसको एक विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो एसपी वन हो जाएगा, उसको आप बेचते हैं तो सीपी टू हो जाएगा, और उसको आप, ठीक है, ये आपके दो आर्टिकल हो गए। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो कैमरा खरीदा, तो पहले कैमरे का क्रय मूल्य और पहले कैमरे का विक्रय मूल्य, दूसरे कैमरे का क्रय मूल्य, दूसरे कैमरे का विक्रय मूल्य। अब यहां से तीन कंडीशंस हमारे सामने आते हैं, तीन कंडीशंस, जी हां बिल्कुल, बैकग्राउंड में बदल देता हूं ताकि आप लोग के लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे लिए तीन कंडीशन सामने आ जाते हैं और वो तीनों कंडीशंस को हम देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है और दूसरा कंडीशन क्या है। एक वस्तु को सीपी वन पे खरीदा, एसपी वन पे बेचा, और दूसरे वस्तु को, ठीक है, सीपी टू पे खरीदा और
SP2 पे बेचा। तो कंडीशन नंबर वन क्या होता है, कंडीशन नंबर ये होता है वन कि हो सकता है कि आपने दोनों वस्तुओं को बराबर दाम पे खरीदा होगा, यानी दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा। इसको कंडीशन को कहते हैं कि ये कंडीशन क्या है हमारा, तो ये कंडीशन है कि सीपी सेम होगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे नंबर कंडीशन की। हो सकता है आपने दोनों वस्तुओं को बराबर के दाम पर बेचा हो, आप खरीद किसी भी रेट पे लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को 10 लाख पे खरीदो किसी को 15 लाख पे, लेकिन आप जब बेचो तो उनको बराबर दाम पे बेचोगे, उनको बोलते हैं एसपी सेम। उनको क्या बोलते हैं जनाब, उनको बोलते हैं एसपी सेम। और जो तीसरा और सबसे घातक है सवाल, जो इस बार के पेपर में काफी ज्यादा बार पूछा गया था, वो था आपका कि अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होगा, यानी सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये दो टाइप हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला दोनों का सीपी सेम, दूसरा एसपी सेम, और तीसरा पहले का सीपी बराबर दूसरे का क्या होगा हमारा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल में। जो अब पहली कैटेगरी आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीपी सेम। क्या पढ़ने वाले हैं, सीपी सेम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें बात करते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन CHSL 2019 का आपके सामने है, सवाल देखिए। ठीक है, इन सभी सवालों का इकलौता आपको अप्रोच बताऊंगा जिससे आप सभी तरह के सवालों को बना पाएंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को खरीदता है 3,000 रुपए में, प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए है, पहले वस्तु को 10% के लाभ पे, दूसरे को 5% के लाभ पे और तीसरे को 15% के नुकसान पे, बताओ टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ, सवाल में आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखो, सवाल में ये सवाल में कोई खास दम नहीं है, आप यहां पर फोकस करिए कि 2 वस्तु खरीदी है, 3 खरीदी है, 4 खरीदी है, कोई फर्क नहीं था, फोकस ये करना है कि क्या बराबर दाम में खरीदा है। तो हां भाई साहब, सभी का जो सीपी है वो क्या है, समान है, सभी का क्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर सभी का क्रय मूल्य समान है तो उनका हम लाभ कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनका हम लाभ कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम यहां पर बोलते हैं कि हमारे पास 3 आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल है, ये तीसरा आर्टिकल है, आपको यहां पर किसी का भी सीपी लेने का जरूरत नहीं है, ये सवाल सीपी के डेटा पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एक पल के लिए मैं मान लूं कि सभी का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो पहले पर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट, यानी पहले पर जो प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का, दूसरे पर कितने का प्रॉफिट, 5% का, 100 रुपए का सामान था, 5% का प्रॉफिट है, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और तीसरे पर अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु 100 रुपए की होती है उस पर 15% का नुकसान, यानी उसमें नुकसान कितने का है, तो 15 रुपए का नुकसान है। यानी यहां पर पहले पर 10 का लाभ कमाया, दूसरे पर 5 का लाभ कमाया और तीसरे पर 15 का नुकसान कर दिया, यानी टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का है, तो 0 का है। तो बोलोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। अब ऐसे सवालों को आप कैसे करते हैं, जब भी आपका क्रय मूल्य बराबर हो, जब भी आपका क्रय मूल्य बराबर हो, तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सारे प्रॉफिट और लॉस को जोड़ देना है और जितने आर्टिकल होंगे उनसे भाग कर देना है। आपको पहले पर प्रॉफिट है 10% का तो 10%, दूसरे पर आपको प्रॉफिट है 5% का तो 5%, और तीसरे पर लॉस है 15 का तो 15 कर देंगे। टोटल कितने आर्टिकल थे, टोटल 3 आर्टिकल थे, तो 3 का कंसेप्ट लगा दीजिए, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा, आंसर आ जाएगा 0, बात खत्म। जब हमारा क्रय मूल्य बराबर होता है तो हम एवरेज का कंसेप्ट यहां पर लगाते हैं। ठीक, दूसरा सवाल उसी तरीके से, एक सवाल आपके सामने, सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार 2 मोबाइल को खरीदता है बराबर दामों पे, समझिएगा 2 मोबाइल खरीदा है, बराबर दामों पे खरीदा है, पहले वाले मोबाइल को, या पहला कैमरा यहां मोबाइल होगा, पहले वाले मोबाइल को 11.23 के लाभ पर बेचता है और दूसरे वाले को जो है 18.77 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, यहां पर करेक्ट करेंगे, यहां पर जो है डेटा वो करेक्ट करेंगे, एंड दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट इसमें करेक्ट करिए। ठीक है, पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है, पहले का जो प्रॉफिट है, सवाल में थोड़ा सा बदलाव करिए, पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, और दूसरे का जो प्रॉफिट है, और दूसरे को वो कितने के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे को जो प्रॉफिट पर बेचता है वो इतना परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है। तो सवाल में आपसे बोला गया है कि उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, पहले कैमरे को 11.23% के लाभ पर, दूसरे को 18.77% के प्रॉफिट पर, तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा। वह पहले कैमरे को या जो भी आर्टिकल यहां दिया गया है उसके बारे में बोला गया है कि पहले कैमरे को, इसका हिंदी भी जो है ना वो भी गड़बड़ हो रखा है, ठीक है, हिंदी करेक्ट कर रहा हूं मैं एक बार, ठीक है,
अब सवाल देखिए, बोला गया है कि भाई साहब उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बात ऐसी है कि उन्होंने दो मोबाइल खरीदा है। पहले मोबाइल को 11.23 के लाभ पर और दूसरे मोबाइल को 18.77 के लाभ पर। और सवाल में आपसे क्या बोला है, तो सवाल में बोला है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आपको सिंपल एक बात समझना है कि भाई दो कैमरे खरीदे, दो मोबाइल कुछ भी खरीदा, उनका क्रय मूल्य बराबर होगा। उनका क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होगा। जब कॉस्ट प्राइस बराबर होता है और अगर हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो बस हम एक ही काम करते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं कि भैया इनमें एवरेज का कंसेप्ट लगाइए, और एवरेज का कंसेप्ट लगा के जितना प्रॉफिट या लॉस है हम वो देख लेते हैं कि कितने परसेंट का है। पहले पर कितने का प्रॉफिट है, तो बोलेंगे सर 11.23 का। दूसरे पर कितने का प्रॉफिट है, तो 18.77 का। कितने आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, तो इनको दो से भाग कर दीजिए, 18 और 11 29 29, और ये हो जाएगा 30 30 का आधा हो जाएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कोई मैटर नहीं करता कि ये जो कैमरा है वो कितने में खरीदे गए थे, कितने में बेचे गए थे, क्या इनका अंकित मूल्य था, क्या इनका डिस्काउंट था। ठीक है, हमेशा सीपी सेम का कंसेप्ट हमें यही बताता है कि आपको क्या करना है, उनमें एवरेज लगा देना है। अब एक बहुत ही टफ एक तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बनाया गया है, जहां पर ये डेटा देखेंगे तो काफी टफ आपको मिलेगा। और सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को खरीदता है, प्रत्येक वस्तु की जो खरीद कीमत होती है वो इतनी होती है 6872.7985। पहले वाले आर्टिकल को 15.69 के लाभ पर बेचता है, दूसरे वाले को 12.21 के लाभ पर बेचता है, और तीसरे को 10.5 के नुकसान पर बेचता है। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो होगा वो कितने का होगा। ये सवाल जो है आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर बनाया गया है, इसको मैंने खुद बनाया है ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए कि जब भी आपका डेटा इतना खतरनाक देगा, जब भी आपका क्रय मूल्य ऐसा देगा, तो आपके सवाल पर आपका जो आंसर है वो क्रय मूल्य पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं 2 वस्तु खरीदूं 3 वस्तु खरीदूं 4 वस्तु खरीदूं 5 वस्तु खरीदूं और सभी का क्रय मूल्य बराबर होगा, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए, कुल लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए, जो भी लाभ हुआ है उनको जोड़ के और नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या करना है, भाग करना है। तो बस यहां पर देखते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो पहले पर हम बोलेंगे सर 15.9 कितने का है, तो 69 का है। दूसरे पर जो लाभ है वो कितने का है, तो 12.81 का है। ठीक, कितने का है, तो 12.81 का है। और तीसरे पर जो है वो कितना है, 10.5 का है। भाग करेंगे कितना से, 1 2 और 3 3 आर्टिकल है तो 3 से। 15 और 12 27 27 और 59 और 81 कितने हो गए, ठीक है 27 और ये हो गया 28। ठीक, कितना हो गया मेरे भाई, 8 1 9 1 10 8 6 14 27 साढ़े 28 में से आपका जो है 10.5 जाएगा तो बचेगा 18, और 18/3 कितना होगा, तो 18/3 होगा 6% प्रॉफिट। एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं करवाना चाहता, बस आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो आप बोलेंगे सर 6% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर ऐसे डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं करना, कोई उपयोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी उपयोग नहीं है। दूर दूर तक कोई जो है इसका यूज में नहीं लेके आना है, और पेपर में आपको डरना नहीं है अगर आपका एग्जामिनर आपको ऐसा डेटा देता है तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, सेम तरीके से अब उसके रूप को कैसे बदला जाएगा वो देखिए। आपका एग्जामिनर बोलेगा कि एक व्यक्ति 585 प्रति कलम की दर से 39.89 कलम खरीदता है। ठीक है, एक बार यहां पे थोड़ा सा जो है ना, यहां पर रेट में यहां रुपए को बदलेंगे हिंदी में, ठीक, और यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि सभी सवालों को मैंने खुद बनाया है तो इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइपिंग गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो 39.89 आएगा और यहाँ पर 585 आएगा। अब सही है सवाल, हिंदी अब भी सही हो गया। ठीक, और वह इतने कलमों को ठीक है। अब सवाल में आपको बोला गया है, ठीक है, सवाल में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति 585 पेन खरीदता है और प्रत्येक का दाम कितना है, तो 39.89 रुपए है। वह 468 कलमों को 5% के नुकसान पर बेचता है, उसको टोटल 10% का लाभ चाहिए। टोटल कितने का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए, तो बाकी बचे कलमों पर वो लाभ कितना कमाएगा ये बता दो। बाकी बचे कलमों पर वो लाभ कितना कमाएगा ये बताओ, मतलब सवाल को देख रहे हो,
सवाल को देख रहे हो, 585 दे रखा है, खरीदने का दाम देखो कितना टफ दे रखा है, और उसमें इस तरीके के डेटा का बात बोला है। तो हमें भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डेटा को कितना भी टफ क्यों ना कर दो, क्योंकि हमने इसका स्मार्ट अप्रोच सीखा है और हमें जो है इसके सवालों को सेकेंडों में बनाना आता है। हमने कहा देखो बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे ये बोलता कि मानो कि 500 कलम होते, या ऐसे बोलूं कि मान लो 5 कलम होते और 5 में मैं 4 कलम को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है, और 1 कलम को मैं 2% के नुकसान पर बेचता, तो मुझे बताओ टोटल लाभ या टोटल हानि कितना होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता तो आप क्या बताते। आप बोलते कि सर 5 कलम है, उसमें से 4 को आपने इतने के लाभ पर बेचा, 1 को आपने इतने के लाभ पर बेचा, टोटल प्रॉफिट बताना है, तो आप बोलेंगे देखो हर कलम पे 10% का लाभ, तो 4 पर कितने का लाभ, तो 40% का लाभ, 1 कलम पे 2% का लाभ, तो 1 कलम पे कितने का लाभ, 2 का लाभ, और उसको भाग करते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से यानी 5 से, तो ये आपका आता 42/5, यानी आप बोलेंगे 8.4%। 8.4% मेरे भाई कब आता, जब आपके सवाल में ये दिया जाता कि 5 कलम है जिसमें से 4 को 10% के लाभ पर, 1 को 2% के लाभ पर। तो ऐसे केसेस में आप क्या लगाते, ऐसे केसेस में मूलतः रूप में आप जो है एवरेज का कंसेप्ट लगाते, 1 पर 10 तो 4 पर 40, 1 पर 2 तो 1 पर 2%, टोटल इतने का प्रॉफिट, और वो बटेगा कितने में, 5 में, तो हमारा इतना परसेंट प्रॉफिट आएगा। बस ये भी सवाल उसी तरीके से है, कभी भी ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं होती है, हमें उनके अनुपात की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि हमारे पास आर्टिकल है कितने, हमारे पास आर्टिकल है कितने, या इसको नहीं मिटाते हैं, एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि भैया हमारे पास आर्टिकल है कितने, तो आप बोलेंगे सर 5 आर्टिकल नहीं है, हमारे पास आर्टिकल है 585। कितने हैं, 585 आर्टिकल हैं, उसमें से कोई व्यक्ति 468 आर्टिकल को बेच रहा है। अब 468 आर्टिकल को बेच रहा है तो बचा कितना आर्टिकल, 15 से 8 आपका 7 हो गया, 7 से 6 आपका 1 हो गया, और आपका 1 हो गया, मतलब वो जो है 468 आर्टिकल को कितने के लाभ पर या नुकसान पर बेच रहा है, तो 5% के नुकसान पर। और फिर उसके बाद बोलेंगे तो 117 आर्टिकल को कितने पर बेच रहा है, तो x पर बेच रहा है, और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर टोटल प्रॉफिट सवाल में 10% दे रखा है। आपसे पूछा है कि ये 117 आर्टिकल को वो कितने के लाभ पर बेचे, 117 आर्टिकल को कितने के लाभ पर बेचे कि टोटल जो फायदा हो वो 10% का हो। ऐसे सवालों में हमेशा आपको अनुपात पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओरिजिनल मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 468 को 5% का नुकसान और 117 पर x परसेंट का लाभ, तो टोटल पर आपको कितने का या 10% का लाभ, तो बताओ ये x का मान कितना है। एकदम सिंपल है, आप बोलेंगे सर 117 और 468 किसके बार में कट जा रहा है, तो 4:1 बार में कट जा रहा है। कितने बार में, 4:1 बार में। तो हमें यहां पर उनके टोटल वैल्यू को लेने की आवश्यकता नहीं है, टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होता है, तो बोलेंगे सर टोटल प्रॉफिट जो है हर आर्टिकल पर 5% का नुकसान, यहां 4 आर्टिकल हैं तो इनके चलते जो नुकसान होगा वो 20% का, 1 आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट है और आर्टिकल सिर्फ एक ही हैं, तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो x% का होगा, टोटल आर्टिकल 4 और 1 5 है, तो यहां पर वैल्यू को 5 से भाग करेंगे, टोटल वैल्यू कितना दिया गया है 10%, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 10% के। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको काटिए तो ये 4:1 बार में कटेगा, हर आर्टिकल पर 5% का नुकसान तो 4:20% का नुकसान, हर आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट तो 1:x% का प्रॉफिट, ये आपका टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा, और बटेगा कितने आर्टिकल में, तो 4:1 5 में, तो 5 में बटा, जिसकी वैल्यू 10 दी गई है, 5 को इधर लेके जाओ 10 से गुणा करो 50 आएगा, ये 20 माइनस में है तो आके जुट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान 70% आ जाएगा। बस आपका सवाल जो था वो इतने ही लाइन का था, इतने ही में आपका सारा खेल खत्म था, आप फालतू का दिमाग लगा रहे थे कि क्या करना और क्या नहीं करना है, बस आपका अप्रोच, आपका सॉल्यूशन इतने ही का था। समझ गए मेरी बात को आप, कोई फर्क नहीं पड़ता ये डेटा क्या देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कॉस्ट प्राइस क्या देते हैं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब अगला सवाल आप लोगों के लिए सीजल के मेंस का होगा, सेम कंसेप्ट पर होगा, वो देखिए सीजल मेंस टीयर 2 में पूछा गया सवाल 2018 में, सेम कंसेप्ट पर है, ठीक है। बोला गया है एक व्यक्ति 120 क्विंटल गेहूं है वो खरीदता है, 20% को उसको 25% के नुकसान पर बेचता है, बताओ बाकी बचे गेहूं को वो कितने में बेचे कि
पूरे ट्रांजेक्शन पर उसको 25% का फायदा हो, ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन पर उसको कितने का फायदा हो, 25% का फायदा हो। क्या यहां पर हमें 120 क्विंटल की आवश्यकता है, बताइए 120 हो, 220 हो, 450 क्विंटल हो, क्या हमें कोई भी आवश्यकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, एक्चुअल वजन हो या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है तो हमें आवश्यकता होती किसकी है? तो हमें बस क्वांटिटी की रेशियो की आवश्यकता होती है कि भैया कितना सामान था और क्या क्या था, क्वांटिटी का रेशियो चाहिए और प्रॉफिट या लॉस उन पर कितना हुआ वो चाहिए। तो हमने कहा 20% को हमने बेचा है कितने पे, 25% के नुकसान पे। मान लीजिए कि 5 हमारे पास आर्टिकल थे तो 5 का 20% 1 होता है, बच कितना गया तो 4 बच गया। मतलब एक आर्टिकल को कितने के फायदे पर बोला गया है, तो एक आर्टिकल मतलब अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो क्वांटिटी हमारा 1 होगा और प्रॉफिट या लॉस उस पे कितना होगा, तो बोलेंगे सर 25% का क्या है, तो लॉस है। फिर उसके बाद हमारा कितना आर्टिकल बच गया, तो 4। अब बोलोगे सर ये 1 और 4 कहां से आया है, तो मेरे भाई देखो बहुत परेशान होते हो आप लोग, 1 और 4 कहां से आया समझो। मान लो कि हमने कहा 20% है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कितना होगा, 80% होगा। ये जो भी वजन होगा उसका ये 20% है, मान लो 120 है तो 120 का 20%, 120 का 80%, ये 20 और 80% किस अनुपात में होंगे, तो ये 1:4 में होंगे। यहां पर एक वस्तु को कितने के नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो एक वस्तु को 25% के नुकसान पर, और यहां 4 वस्तु को कितने के नुकसान पर बेचा जा रहा है या फायदे पर, तो वो नहीं दिया गया है, बोला गया है x% का। और टोटल पर जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 25% का टोटल पे प्रॉफिट है। एवरेज का कांसेप्ट लगा सकते हो, बताओ आराम से लग सकता है। बोलोगे सर टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो 25 का है। ये टोटल प्रॉफिट बराबर होगा, एक वस्तु पर 25% का नुकसान 1 × 25 हो जाएगा -25, 4 आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट तो हो जाएगा ये 4x, और भाग करेंगे कितने से, जितने आर्टिकल है उससे, 1 × 4 यानी 5 से, 25 का 5 गुना 125, 125 में 5 आ जाएगा 150, तो x की वैल्यू हो जाएगी 150/4 यानी 75/2, और जिसको आप कह सकते हैं कि 37.5% का लाभ, यानी इसका मान कितना होगा, 37 सही 1/2, ठीक है। बताओ सिंपल सा सवाल था आपका कि 20% है और 80% है, 120 क्विंटल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 20% और 80% एक अनुपात 4 में होते हैं, इस एक वस्तु को 25% के नुकसान पे, इस 4 वस्तु को x% के लाभ पे, टोटल लाभ कितने का है, तो 25% का है। टोटल प्रॉफिट बराबर 1 × 25, 4 × x/5, आराम से जो है आप यहाँ पर औसत का कंसेप्ट लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। गुरु जी MTS की का जो MTS का आंसर की है से बेस्ट है उसको कर दो प्लीज, ठीक है भाई, उसका भी जो है बारी आएगा, ऐसा नहीं है कि उसकी बारी नहीं आएगी, पहले जो चीज़ें हम लोगों ने कंटिन्यू की है हम उसको करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बीच बीच में जंप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। MTS आया तो MTS करा दो, CGL आया तो CHSL करा दो, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि MTS के जो आंसर्स हैं, MTS के जो क्वेश्चन हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो उन चैप्टर में आपको मैं पक्का करवा दूंगा। जैसे अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस की जब मैं जो कैटेगरी पढ़ाऊंगा, MTS के जो अच्छे सवाल होंगे उसको उस कैटेगरी में मैं ज़रूर करवा दूंगा, ताकि इससे आपका MTS भी जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, आप अपना अगला सवाल देखिए, सवाल में क्या बोला गया है, देखो टाइम जो है वो बदल गया है, इस बात का ध्यान रखो, अब रोज रात में 8:30 बजे से लेकर 9:30 या 10 बजे तक जो है मैथ्स की आपकी क्लासेस चलेगी, और यही टाइम आपकी अब फिक्स हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लासेस रेगुलर चाहते हैं, रेगुलर वे में चाहते हैं, तो मुझे जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि बहुत काम होते हैं, ऑफलाइन गुरुकुल में भी पढ़ाना होता है, बुक है जो उस पर भी काम होती है, कंटेंट पर भी काम होता है, तो पूरा दिन थक सा जाता हूँ मैं, ठीक है, काम करते करते, फिर शाम में क्लास हो जाए, फिर इम्पॉसिबल सा टास्क लगने लगता है, इस वजह से आराम से तसल्ली से जो क्लास है वो रात में रख दी है, ताकि आपका भी फायदा होता रहे और हमारा भी होता रहे, ठीक है। चलिए तो सवाल को देखिए, बोला गया है कि 2/3 कंसाइनमेंट को आपने कितने पर बेचा है, तो 5% के प्रॉफिट पर, और बाकी आर्टिकल को कितने पर, तो 2% के नुकसान पर। टोटल प्रॉफिट अगर 400 का है तो कंसाइनमेंट का वैल्यू पूछेगा। हमेशा ऐसे सवालों में इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा आपसे एक ही बात नहीं पूछा जाएगा कि बताओ टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ या टोटल लॉस कितने का हुआ, कभी कभी उल्टा भी दिया जा सकता है, और उल्टा कैसे दिया जा सकता है, तो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि आपके अगर प्रॉफिट की वैल्यू इतनी थी तो
आपने सामान को खरीदा कितने में, लाभ का कीमत दे देगा और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्रय मूल्य ना पूछ के आपसे विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपने एक ही बात सीखा है कि देखो आप सभी वस्तुओं को क्या कर रहे हो, तो समान दरों पर खरीद रहे हो। जब समान दरों पर खरीद रहे हो तो यानी उनका क्रय मूल्य बराबर है, सीपी जो है वो सेम है। अब जब क्रय मूल्य बराबर है तो हमें यहां पर क्या निकालना है कि कुल लाभ या कुल हानि कितने का हुआ, कुल लाभ या कुल हानि कितने का हुआ। अब यहां पर एक और बात को समझेंगे और पकड़ेंगे। सवाल में बोला गया है 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट, यानी यहां पर आपका एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि आपको कंसाइनमेंट कितना लेना है, तो आपको टोटल 3 कंसाइनमेंट लेने हैं। 2/3 किसी भी कंसाइनमेंट का 2/3, अगर 2/5 बोलता तो टोटल कंसाइनमेंट 5 लेते हैं, 1/4 बोलता तो कंसाइनमेंट 4 लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, 2/3 बोला यानी हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल 3 कंसाइनमेंट थे, उसमें से 2 आर्टिकल जो थे और उसमें से 1 आर्टिकल थे। जो 2 आर्टिकल थे उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, तो उस पर प्रॉफिट हमें 5% का हुआ। जो 1 आर्टिकल था उस पर नुकसान कितने का हुआ, तो 2% का नुकसान हुआ। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 2 आर्टिकल पे 5% का यानी 5 × 2 कितना हो गया, तो 10। 1 आर्टिकल पर 2 का नुकसान, यानी बोलेंगे सर 2 का नुकसान हो गया। भाग करेंगे कितने आर्टिकल हैं, 3 से, तो भाग करिए 10 में से 2 गया, यानी आप बोलेंगे सर 8/3% का क्या है, तो 8/3% का प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है। और सवाल में इसका मान कितना दे रखा है, तो बोलेंगे सर 400 दे रखा है। सवाल में इसी का मान कितना दे रखा है, तो 400, और हमसे कंसाइनमेंट की कीमत पूछी है। आपको पता है कि कोई भी कंसाइनमेंट होता है, कुछ भी होता है, उसका क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। यानी आप बोलेंगे सर ये जो 400 है, ये 400 कितने परसेंट का मान है, तो ये 400 8/3% का मान है। और हमें कितने परसेंट का मान बताना है, तो हमें उसका वैल्यू बताना है, यानी उसका 100% का मान हमें बताना है। इस बात का ध्यान रखिए, 8/3% का मान दिया है और 100% का मान हमें बताना है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 3 हमारा कहां चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। इस 3 को यहां से हटाइए और 3 को ऊपर में गुना करिए। समझ गए बात को, 8 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 5 × 3 15 हो गया, और 3 0 मुफ्त के आ गए, तो यहां पर लगा दो कि उसकी कीमत कितनी थी, तो 15,000 की थी, ठीक है। बहुत अच्छे, 3 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल को 5% के लाभ पर, 1 आर्टिकल को 2% के नुकसान पर, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8/3% का प्रॉफिट, ठीक है। यही प्रॉफिट का मान दिया गया है 400 रुपये, तो हमसे पूछा है कि बताइए 100% का मान कितना होगा। ऐसे केस में आप सवालों का आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला सवाल पे आइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है CHSL 2020। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के पहले अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसके सभी अच्छे सवाल पक्का इस सीरीज में मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। तो 2 महीने पहले CHSL का पेपर हुआ है और उस पेपर में एक इसी कंसेप्ट पर एक और सवाल पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CGL 2020 2 महीने पहले पूछा गया है, और जो स्टूडेंट CGL या SSC या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पक्का ये सवाल लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो सवाल में बोला गया है कि एक डीलर है, वो कुछ खिलौनों को 1800 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उसके 40% को वो 15% के नुकसान पर बेचता है, उसके 33.33% को जो है रिमेनिंग का, ठीक है, उसको 20% के लाभ पर बेचता है, बाकी बचे हुए आइटम्स को वो कितने पर बेचे कि कुल मिलाकर उसको 10% का लाभ हो, ठीक है। कुल मिलाकर उसको कितने का लाभ हो, तो 10% का लाभ हो। इस तरीके से सवाल को बोला गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अपने में उलझा हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा सुलझा लेंगे। कैसे सुलझा लेंगे, देखो हमें आर्टिकल्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 1800 की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको देखते काट देना। बोला गया 40% ऑफ दीज का मतलब क्या, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि भाई हम 100 आर्टिकल लेते हैं, तो ले लो 100 आर्टिकल, बाद में रेशियो को काट देना। आप मान लो कि टोटल आपके पास कितने आर्टिकल हैं, तो 100 आर्टिकल हैं। 100 में आपने कितने आर्टिकल्स की बात की है, तो 40% की बात की है, कि 40% को हम 15% के नुकसान पर बेचते हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस इन पर कितना है, तो 15% का नुकसान है। फिर उसके बाद बोला गया है, ठीक है, एंड 33.33% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, 100 में से 40 आर्टिकल चले गए,
तो बचे कितने, तो बोलोगे सर 60, बचे कितने तो 60 है, और 33.33 कितना होता है तो 1/3 होता है, 60 का 1/3 यानी कितना आर्टिकल, तो 20 आर्टिकल, तो अब और कितने आर्टिकल बच गए, तो 20 आर्टिकल। अब ये 20 आर्टिकल का खेल क्या है, तो इन 20 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, यानी यहां पर हो जाएगा 20% प्रॉफिट। अब 100 आर्टिकल में 40 ये था, 20 ये था, 40 और 20 60, तो बचा कितना, तो बोलोगे सर 40 बचा हुआ है, ठीक है, कितना बचा हुआ है, तो 40 बचा हुआ है, और एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड सेल द रिमेनिंग, इसको हम कितने पर बेचे कि टोटल जो हमें प्रॉफिट हो वो कितने का हो, 10% का हो, टोटल प्रॉफिट हमें कितने का हो, तो 10% का। अब आप एक बात को समझिएगा माय डियर, आपको ऐसे सवालों में कभी भी आर्टिकल्स के रेशियो लेने होते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना होता, यानी अगर आप काटेंगे तो 20 से आपका ये दो बार में कटेगा, 20 से आपका ये एक बार में कटेगा, और 20 से आपका ये दो बार में कटेगा, आपने इसको काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहो तो यहां पर वेटेड एवरेज का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट कैसे लगाओगे मैं वो भी बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल पहले आप इसको बेसिक तरीके से देखो कि बेसिक से कैसे बनाओगे, फिर हम इस पे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 10% का हुआ है, तो 10 को यहां पर लिखिए। दो वस्तु है, प्रत्येक पर 15% का नुकसान, तो दोनों पर कितने का नुकसान, तो 30 का नुकसान। एक आर्टिकल है उस पर 20% का फायदा है, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 20% का। दो आर्टिकल है, हर किसी पर x% का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 2x का। इसको भाग करेंगे कितने से, तो 2 एक 3 और 3 और 2 कितने से, 5 से, क्योंकि 5 आर्टिकल है तो 5 से ही भाग करेंगे। ये 5 जब उधर जाएगा तो कितना बना देगा, 50। 50 में 30 आपका जुट जाएगा तो 80। 80 में से आपका 20 घट जाएगा तो 60, और 60 का आधा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। साफ लफ्जों में कि भैया जो बाकी बचे आर्टिकल थे उनको कितने के लाभ पर बेचा गया था, तो 30% पे। नीतीश चौधरी कहते हैं कि सर पेड बैच चाहिए, अपना नंबर दे दो, ठीक है, तो आपको हम नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 8506003999, मेरे जितने भी स्पेशल बैच हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिलेगी। अगर इस नंबर पर फोन ना लगे तो आप दूसरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 9289079800। बहुत परेशान है ये लड़का, काफी जन्मों से जो है भटक रहा है, ठीक है, तो अब भटकना नहीं है। अब देखिए सवाल में आपने कितने आर्टिकल माने, 100 माने, उसका 40% कितना हुआ, 40 हुआ, बचे हुए का एक तिहाई यानी 20 हुआ, फिर कितने बच गए, 40, इनको 15 के लाभ पर, इनको 20 के लाभ पर, इनको x के लाभ पर, टोटल प्रॉफिट का मान 10 दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सोचो कि इस सवाल को अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते और आप इसको और सेकंडों में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो वेटेड एवरेज का कांसेप्ट लगाओगे तो इसको और आसानी से किया जा सकता है, वो है कैसे, देखिए यहां पे अगर मान लीजिए कि सवाल में मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को जाना चाहता हूं और स्किप करना चाहता हूं तो कैसे होगा, यहां पर समझो, आपको इतना तो क्लियर है यहां पर कि यहां दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, इन सब बात को समझिएगा, ठीक है। सवाल में बोला गया कि 40%, 40% का बट्टा कितना होता है, आप मुझे खुद बताइए, 40% का बट्टा बोलेंगे सर 2/5 होता है, कितना होता है, 2/5, यानी आप अपने मन में आर्टिकल को मान लीजिए कि आपके कितने आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं, ठीक है, और 5 का 40% कितना होता है, तो 2 होता है, बचा हुआ कितना है, 3, और 3 का एक तिहाई कितना हो गया, तो 1 हो गया, और फिर कितना बच गया, तो बच गया यहां पर 2, ठीक है। पहले वाले को कितने के प्रॉफिट पर, तो बोलेंगे सर पहले वाले पर 15% का नुकसान है, दूसरे वाले पर क्या कहानी है, तो दूसरे वाले पर 20% का प्रॉफिट है और तीसरे वाले पर x% का नुकसान है, और टोटल पर कितना है, तो टोटल पर 10% का प्रॉफिट है। वेटेड एवरेज का कांसेप्ट लगाओ माय डियर, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जब आप सब्जी खरीदने जाते होगे, कहीं पर भी कुछ भी खरीदने जाते होगे, तो देखा होगा कि जो सब्जी बेचने वाला है उसके पास तराजू रहती होगी, ठीक है, और जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोनों तरफ का वजन बराबर होता है, अगर वह 1 किलो का बटकारा लगा रहा है तो आपको 1 किलो का सामान देगा, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ वजन ज्यादा रखेगा दूसरी तरफ कम रखेगा, तो बस वो समझ लो कि तराजू वाला कंसेप्ट है। तराजू वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं, हम चीजों को बराबर करते हैं, तो यहां पर भी आप उनको क्या करने वाले हैं माय डियर, यहां पर भी आप उनको बराबर करने वाले हैं। आप बोलेंगे कि सर हर किसी के पास कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, तो बोलेंगे सर हर किसी के पास 10% होना चाहिए। ये जो आपको तरीका बता रहा हूं, कोई स्टूडेंट सीख लेता है ना तो हर तरह के सवाल में या एवरेज के भी सवाल में वो इसका कांसेप्ट का अप्लाई कर पाएगा। तो बोलेंगे सर टोटल हर किसी के पास 10% का लाभ होना चाहिए, यहां के प्रत्येक व्यक्ति पे 15% का नुकसान है, अगर ये 15% नुकसान वाला व्यक्ति यहां पर 10% का लाभ कमाना चाहता है
या आप ऐसे बोलो ये इससे कितना कम है, ये 15 इससे कितना कम है, तो प्लस 10 से ये माइनस 25 की कमी है, माइनस 25 और दो आर्टिकल पर कितना, तो बोलोगे सर 50 की कमी है। ठीक है, ये 10 वाला और ये 20 वाला, ये 20 वाला इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 10 ज़्यादा है, एक आर्टिकल पर कितना ज़्यादा होगा, तो 10 ज़्यादा होगा। इन दो नलायकों के चलते कितना आ रहा है, माइनस 40। तराजू का कंसेप्ट क्या होता है कि दोनों जगह बराबर होना, फिर से मेरी बात को समझिए। ठीक है, माइनस 15 10 प्लस से, प्लस 10 से कितना कम है, तो माइनस 15 10 से 25 कम है। अगर एक आर्टिकल पर 25 की कमी, तो दो आर्टिकल पर कितने की कमी, तो 50 की कमी। ठीक है, ये जो 20 है ये 10 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 10 ज्यादा है। अगर एक आर्टिकल 10 है तो यहां आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो बोलोगे 10। यानी इन दो लोगों के चलते जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस 40 का आ रहा है। कितने का आ रहा है माय डियर, तो बोलेंगे सर माइनस 40 का रिजल्ट आ रहा है। अगर ये दो लोगों के चलते माइनस 40 का रिजल्ट आ रहा है, तो आखिरी वाले को कितना लेकर आना पड़ेगा, तो आखिरी वाले को प्लस 40 लेकर आना पड़ेगा। क्यों, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर माइनस 40 के जगह पर प्लस 40 नहीं आएगा, तो तराजू कैसे बराबर होगा बताओ। एक किलो अगर इधर झुका हुआ है, तो एक किलो का सामान तो डालोगे, तो माइनस के लिए प्लस डालोगे। अब ये 40 कितने लोग लेकर आएंगे, तो बोलोगे ये 40 दो लोग लेकर आएंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना लेकर आएगा, तो 20% अधिक लेकर आएगा। 10% लाना ही लाना था और 20% अधिक है, तो 10 जमा 20 कितना हो जाएगा, 30%। ये आपका वेटेड एवरेज का कांसेप्ट है। अब बोलोगे सर आप इतना ऐसा क्यों बताए, क्या आवश्यकता थी, तो जरूरी नहीं है। आप अगर सिंपल ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कारण बस मेरा यही है कि कल के दिन अगर आपके परीक्षा में कुछ ऐसा सवाल आ जाए जहां पर आपको आर्टिकल्स का अनुपात दे दे, आर्टिकल्स में बोले यहां दो आर्टिकल है, यहां पर एक आर्टिकल है, यहां तीन आर्टिकल है, यहां पांच आर्टिकल है, ठीक है, और यहां पर मान लो कि यहां पर चार आर्टिकल है, और यहां प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का दे दे यहां पर, कि बात समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बात समझिएगा। यहां पर आपको मान लो बोल दे कि इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, यहां 12% का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर 13% का प्रॉफिट हुआ है, और यहां पर कितने का प्रॉफिट होगा, या मान लो यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर आप एक तरीके से समझ लीजिए 11% का प्रॉफिट हुआ है, और उस समय आपका एग्जामिनर पूछे कि बेटा बता दो टोटल कितना प्रॉफिट होगा। जैसे बोलेगा कि देखो दो बंदूक एक दुकान से खरीदे और बेचे कितने के, 10% के लाभ पर, एक बंदूक पर 5% का लाभ, तीन बंदूक पर 12% का लाभ, पांच बंदूक पर 13% का लाभ, चार पर 11, कुल मिलाकर सभी वस्तुओं पर कितने का लाभ होगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भैया देखो बात ऐसा है, गुना करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, गुना करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, दो को 10 के साथ, एक को 5, तीन को 12, सब खत्म। आप अपने मन में कोई औसत मान लो, बोलो कि भैया इनका मान लो औसत कितना आ रहा था, तो इनका औसत 10% आ रहा था, इनका औसत कितना आ रहा था, 10%। आप अपने मन में मान लेते हैं कि हमारे मन में इनका जो औसत है वो कितना है, 10% है। अब आप देखिए कि ये 10% से ये वैल्यू ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ना ज्यादा है ना कम है, मतलब इसमें 0 का अंतर है। यहां पर कितने की कमी है, 5 की, और एक वस्तु पर कितने का कमी होगा, तो -5। यहां पर कितना ज्यादा है, 2, तो तीन आर्टिकल पर कितने का ज्यादा होगा, तो +6। यहां कितना ज्यादा है, 3, पांच आर्टिकल पर कितना ज्यादा होगा, तो 15। ये कितना ज्यादा है, 1, और चार आर्टिकल पर कितना का ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर 4। ठीक है, कितना ज्यादा, देखो इसका 10 के साथ कंपेयर करो, ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ना ज्यादा है ना कम है, मतलब 0। इसका 5 के साथ कंपेयर करो, तो 5 की कमी है। इसका जो है 12 के साथ कंपेयर करो, तो 12, ये 2 ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति 2 ज्यादा है, तो 3 पर 6 की बढ़त होगी। यहां पर देखेंगे एक व्यक्ति 3% ज्यादा लेके बैठा है, तो 3 लोग 15% ज्यादा लेके बैठेंगे। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 1% ज्यादा लेके बैठा है, तो 4 लोग कितना ज्यादा लेके बैठेंगे, 4%। अब आप इनको जोड़िए, तो 15 देखो 6 4 10, 10 और 15 कितना हो गया, 25। 25 में से 5 गया, तो बोलोगे सर 20% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है सर, 20% का बढ़त आ रहा है। फिर से समझ लो, यहां पर हो गया 10 10 और 15, 25 25 में से 5 गया, मतलब ये जो भी नालायक वाली टीम है, ये अपने पास 20% ज्यादा लेके बैठी है। अगर 20% ज्यादा है, तो औसतन प्रत्येक पर कितना होगा, इसको निकालने के लिए इनकी टोटल संख्या को क्या करें, भाग कर दें। तो 5 4 9 1 10 10 2 12 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो आपको क्या करना है, ये जितना भी ज्यादा लेके बैठे हैं, 20% ज्यादा लेके बैठे हैं, इन 20 को सभी संख्या
संख्याओं के जोड़ के साथ भाग कर दीजिए ताकि प्रत्येक संख्या पर कितना ज्यादा है या कितना कम है पता लग जाए, क्योंकि प्रत्येक संख्या पर की गई बढ़ती क्या होता है, औसत होता है। तो ये 20 तो टोटल लोगों पर है ना, अगर हम एक व्यक्ति पर बात करें तो कैसे होगा, तो 20 को सभी के साथ भाग कर दो, 5, 4, 9, 1, 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 20 को जब आप 15 के साथ भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 4/3%, यानी इतना परसेंट क्या होगा ज्यादा होगा, इतना परसेंट क्या होगा ज्यादा होगा। तो 10% तो प्रॉफिट हो ही रहा था और 10% में हमें 4/3 जोड़ देना है, यानी 10 × 3 = 30, 34/3% क्या होगा, ये कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट होगा। आपको गुना करके लेके आना है तो आप गुना करके लेके आओ, आपको डेविएशन मेथड लगाना है आप डेविएशन मेथड लगाओ, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके तरीके के ऊपर, डेविएशन में जब आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी तो सवालों को आप सेकंडों में बना पाएंगे। क्यों आपको मैं डेविएशन बता रहा हूं, डेविएशन इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कल के दिन मेरे भाई अगर यहां पर 211 संख्या हो गया, 113 आर्टिकल यहां पर हो गए, 309 आर्टिकल यहां पर हो गए, 515 आर्टिकल यहां हो गए, 407 आर्टिकल यहां पर हो गए, तो यकीन मानिए आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। ठीक है, क्यों हालत खराब हो जाने वाली है, उस केस में 211 को 10 के साथ गुना, 113 को 5 के साथ, 309 को 12 के साथ, 515 को 13 के साथ नहीं कर पाओगे गुना। पेपर में या तो यही बोलोगे ये सवाल बनने वाला है नहीं छोड़ के आ जाओ, तो उस केस में डेविएशन ही काम करेगा जहां पर छोटी छोटी संख्याओं के साथ इनको गुना करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों का, परेशान नहीं होना है, डेविएशन भी वक्त रहते सीखना है ताकि हम अच्छे से आंसर दे पाए। ठीक, अब देखो हमने पहले टाइप को तो कवर कर लिया जहां पर हमने ये काफी अच्छे तरीके से पढ़ा कि जब 2-3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो हम कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हमें जो पढ़ना है माय डियर वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि यदि 2 या 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो, उनको बराबर कीमत पर बेचा जाए और उसमें क्या हो, किसी एक वस्तु पर लाभ होता है और किसी एक वस्तु पर नुकसान होता है, तो उस केस में हम टोटल लाभ या टोटल हानि कैसे बताएं। ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने रखा है और सवाल क्या रखा है, दो घोड़े हैं और प्रत्येक घोड़े को 1920.725 रुपए में बेचा जाता है, पहले को 20% के नुकसान पर, दूसरे को 20% के फायदे पर, तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा। यानी एसपी सेम की हम बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये सवाल देखिए, सवाल देखते ही आपको लगेगा यार काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने वाला है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि सवाल सारे छोड़ने वाले नहीं होते हैं, वो आपको नहीं आता इस वजह से आपको लग रहा है कि आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आज के बाद आपको लाना और आपको लगना भी शुरू हो जाएगा और आप इसका उत्तर दे पाएंगे सही से। मेरे बात को समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 2 आर्टिकल है, मान लो हमारा मुन्ना है और प्यारा मुन्ना जो है एक डेरी मिल्क लेता है। ठीक है, किसके लिए डेरी मिल्क लेता है समझ ही रहे हो, खुद के लिए तो खाया नहीं होगा बेचारा, ठीक है, किसी और के लिए लेके जा रहा है, ये डेरी मिल्क लेता है और क्या लेता है, एक प्यारा सा मान लो यहाँ पर, ठीक है, प्यारा सा यहाँ पर एक रोज भी लेता है। ठीक है, और कौन से दिन पे लेता है, तो फरवरी के महीने पे लेता है। ठीक, फरवरी के महीने में एक डेरी मिल्क और रोज दोनों मिला के जो है वो लेता है। पता चलता है जब वो देने गया तो मैडम किसी और के साथ इंगेज है, बेचारे का दिल टूट गया, लेकिन बेचारा ठहरा जात से बनिया, ठीक है, बुद्धि से बनिया दिमाग है उसकी, तो अब वो करे तो क्या करे, तो बोला छोड़ो कोई बात नहीं, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, कंडीशन कुछ भी हो लेकिन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो दोनों को वो बराबर दाम पे बेचा। मान लो मैं बोलता हूं कि डेरी मिल्क को भी उसने 300 रुपए में भी बेच दिया और रोज को भी उसने कितने में बेच दिया, 300 रुपए में। क्यों? क्योंकि जहां पर ये भाई साहब जिस पार्क में गए थे वहां पर आसपास कोई गुलाब देने वाला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, तो उनका जो भी सामान बिका वो काफी महंगा बिका। अब दोनों को इन्होंने 300-300 रुपए में बेच दिए। अब कंडीशन क्या हुई कि जब 300 रुपए में बेचा तो पहले पर 10% का नुकसान हुआ और दूसरे पर 10% का फायदा हुआ। पहले पर 10% का नुकसान हुआ, दूसरे पर 10% का फायदा हुआ, और आपका एग्जामिनर तब आपसे पूछेगा कि बता बेटा तेरे को लाभ हुआ कि कितना हुआ, हानि हुआ और कितने परसेंट का हुआ। यानी दोनों वस्तुओं का हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर। प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, तो एक पर 10% का लॉस, दूसरे पर 10% का प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसे सवालों में आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है,
तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें भी दो कंडीशंस बनते हैं। कंडीशन क्या बनता है ध्यान से समझना, दो कंडीशन बनता है और दोनों कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। आपको मिक्स नहीं करना है दोनों कंडीशन को। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का हमारा लॉस है, ठीक है। पहला कंडीशन होता है जितने परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट का नुकसान हो, और दूसरा कंडीशन हमारा ये होता है कि हमारा लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत बराबर ना हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। जैसे मैंने यहां पर कहा कि दोनों को तो बेचा उसने, पहले पर 10% का लाभ है तो दूसरे पर 10% का नुकसान है, और यहां पर बोल दिया मैंने कि नहीं, डेयरी मिल्क जब बेचता है ना तो 20% का फायदा होता है, गुलाब बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। मतलब यहां पर जो उनका प्रतिशत है वो बराबर नहीं है। तो जब इनका प्रतिशत बराबर होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बराबर होगा, तो उस केस में हम सीधा एक आंसर बताएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और उस केस में हमेशा क्या होगा, तो बोलोगे सर लॉस ही लॉस होगा सर। जब दो वस्तुओं को समान कीमत पे बेची जाए और उनका लाभ प्रतिशत उनके हानि प्रतिशत के बराबर हो, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब दो वस्तुएं हैं, दोनों को बराबर कीमत पे बेची जाती है और उसका लाभ, पहले का लाभ दूसरे के हानि के बराबर हो, तो उस केस में हमेशा आपको नुकसान होगा, और वो कितने का होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और जब लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर ना हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे सवालों को हम किससे बना रहे हैं, तो ऐसे सवालों को हम जो है जनाब रेशियो मेथड से बनाएंगे, और जिनको हम अभी देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास और दोनों तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर आप देखो, तो मान लो यहां पर डेयरी मिल्क को 300 रुपए में और रोज को भी 300 रुपए में, यहां पर लॉस जो है वो 10% का, यहां प्रॉफिट 10% का। हमारा जो प्रॉफिट है और जो हमारा लॉस है, यहां प्रॉफिट और जो लॉस है, लाभ है जो हानि है, उनका प्रतिशत बराबर है। अगर उनका प्रतिशत बराबर है तो हमने आपको क्या कहा था, जब ये दोनों प्रतिशत बराबर होंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। यानी आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 बटे 100 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 1% का क्या होगा, तो नुकसान होगा। 1% का क्या होगा, तो नुकसान होगा, कब, जब वो बराबर दामों में बेचे। तो उसी तरीके से आपका ये सवाल दिया गया है। अब आपका ये सवाल दिया गया है तो आप इसमें देखो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस ये देखो, पहले वाले को 20% के नुकसान पे, दूसरे को 20% के फायदा पे, तो बोलोगे सर ने सीधा बताया था कि जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो, तो वैसे सिचुएशन में हमेशा हानि ही होती है, और वो कितने की होती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की होती है मेरे भाई, ठीक है। एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, तो बोलेंगे एक्स के स्थान पर 20 है, तो बोलेंगे सर 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20/100 रखेंगे। यहां पर जीरो से आपका जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। बोलेंगे सर 4% का क्या है, तो 4% का लॉस है। 4% का क्या है, तो 4% का लॉस है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए, कंसेप्ट मेरे अच्छे लगते हैं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। और जब परसेंटेज सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये भी थोड़ा सा धुआंधार क्वेश्चन है, क्योंकि इसके डेटा को थोड़ा सा मैंने टफ बना दिया है, लेकिन ये भी सवाल अगर आप देखेंगे तो मात्र 1 सेकंड में आप इस सवाल को बना पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में ये सवाल है। आप किसी को ये सवाल दे दो वो 1 सेकंड में नहीं बनाएगा, लेकिन आप जरूर बना दोगे आप अगर कंसेप्ट सीखते हो तो। दो घोड़े हैं, प्रत्येक को 2489 रुपए में बेचा गया है, ठीक है, और पहले वाले को 8.3 के नुकसान पे और दूसरे वाले को 8.3 के फायदे पे। आपसे बोला गया है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। बहुत शानदार निकिता कुमारी, सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे सवालों को आप कैसे बनाओगे, तो सेम तरीके से आप बोलेंगे कि सर देखिए यहां पर लाभ और हानि दोनों का प्रतिशत बराबर है। जब दोनों का प्रतिशत बराबर है तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे ऐसे केस में तो पक्का लॉस ही लॉस होता है, तो प्रॉफिट वाले आंसर को तो काट ही देना। जब आपका लाभ प्रतिशत आपके हानि परसेंट के बराबर होगा तो आपको जीवन में कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया, बात हो गई तो नुकसान की होगी।
अब नुकसान भी देखो, तो नुकसान में कैसे निकालोगे, तो बोलोगे जो लॉस होगा वो होगा 8.3 × 8.3 और डिवाइडेड बाई 100। मेरे भाई गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, 3 × 3 इक्याई के स्थान पर कितना आना चाहिए, तो बोलोगे सर इक्याई के स्थान पर 9 आना चाहिए। एक ही ऐसा ऑप्शन है सी और डी में जिसके स्थान पर 9 है, तो क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे, बात खत्म। कैलकुलेट भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, सीधा मारो 3 × 3 9 होता है, एक ही ऑप्शन है जिसके इक्याई के स्थान पर 9 है वही आंसर होगा। कभी कभी नजरें ऑप्शन में भी दौड़ा लिया करो, हर बार सवाल बनाना ही उचित नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल आपके पेपर में पूछा गया था 2017 के मेंस में, और ये 2017 के मेंस का प्रश्न है, आप इसी कंसेप्ट पर इसका उत्तर दे पाएंगे। इस कंसेप्ट में थोड़ा सा हटके आपसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर आपको देना है, ठीक। सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति एक घर को और एक दुकान को बराबर दामों पे बेचता है, ठीक है, और वो दाम कितनी है, तो वो 1,00,000 रुपए की है। अगर वह घर को बेचे तो 20% का नुकसान होगा और दुकान को बेचे तो 20% का फायदा होगा, टोटल रिजल्ट क्या होगा। लेकिन ऑप्शन में आपसे यहां पर लाभ या हानि प्रतिशत नहीं पूछा गया है कि आंसर 4% दे दोगे, ऑप्शन में जो भी है आपकी कीमत पूछी गई है कि कीमत वो जो होगी वो कितने रुपए की होगी, कितने रुपए का लाभ होगा या कितने रुपए का नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात को हम समझते हैं, जब भी हम दो वस्तुओं को बेचते हैं और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है, और उस केस में यहां पर एक पर प्रॉफिट होगा दूसरे पर लॉस होगा, तो आप 100% ये बात बोलेंगे कि सर ओवरऑल जो होगा वो हमारा नुकसान होगा, प्रॉफिट तो कभी नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए को काटिए और ऑप्शन नंबर बी को काटिए। आपको जीवन में कभी प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता है जब आप दो वस्तुओं को बराबर दाम पर बेचेंगे और दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत बराबर होगा, तो आपको हमेशा नुकसान होगा, ठीक है, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं नुकसान होगा तो कितने का होगा, तो 20% का प्रॉफिट और 20% का नुकसान, तो बोलेंगे सर लॉस होगा कितने का, तो 20 × 20/100 सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 4% का क्या होगा, तो 4% का हमारा लॉस होगा। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, जो आपका क्रय मूल्य होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, वो कितना परसेंट होता है, तो बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा 100% का होता है, ठीक है, और 4% का आपको नुकसान हो रहा है, 100% की वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, तो बोलोगे सर 96% में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, तो 96% में बेचेंगे। घर कितने का बेचा, तो 1,00,000, दुकान कितने का बेचा, तो 1,00,000, यानी दोनों को कितने में बेचा, तो बोलोगे दोनों को हमने कितने में बेचा है, तो 2,00,000 रुपए में। अब ये 2,00,000 रुपया भैया कितने प्रतिशत का मान रखता है, 100% का क्रय मूल्य होता है, 4% का नुकसान हुआ है, यानी ये कितने परसेंट का मान है, तो ये 96% का मान है। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि आपको जो फायदा होगा या नुकसान होगा वो कितने का, तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, 4%, यानी हम अगर स्पष्ट रूप से ये बात बोले कि 96% का मान दिया है बबुआ और 4% का मान निकालना है, तो निकाल नहीं दोगे, तो ये बात तुम्हारा एग्जामिनर सीधा सीधा तुमको देता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको तुम्हें नौकरी थोड़ी देनी है, उसको तो तुमसे पकौड़े बिचवाने हैं। अब पकौड़े बेचने वाली बुद्धि रखोगे तो सवाल नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर सोच लिया कि कंधे पे सितारे लगने हैं, तो आप ये सवाल जरूर बना पाओगे सेकंडों में। ध्यान रखो, 2,96% की कीमत 4% का बताना है, 4 से काटेंगे कितनी बार में, तो 4 से 24 बार में कटेगा, और 2 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, 1/12,00,000 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। और 1/12,00,000 लाभ है कि नुकसान है, तो बोलोगे हमेशा नुकसान था, नुकसान है और नुकसान रहेगा। बहुत अच्छे भाई, खतरनाक, शानदार, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल, एमटीएस 2019 का है और वो आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। सवाल को देखिए क्या बोला गया, बोला गया दो वस्तुएं हैं और दोनों को 2,400 रुपए में बेचा जाता है, प्रत्येक को 2,400 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। शॉपकीपर जो है उसको ना ही कोई लाभ होता है और ना ही कोई नुकसान होता है पूरे ट्रांजेक्शन पे। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल में ना ही कोई लाभ हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें उनमें से दो आर्टिकल्स में, तो एक को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो दूसरे को वो कितने परसेंट के लाभ लॉस पर बेचे, ठीक है। इफ वन ऑफ द टू आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। मतलब कहानी सीधी सीधी है, आपके पास दो वस्तु है, ठीक है। मान लो हमारा मुन्ना फिर से वापस आ जाता है और मुन्ना जो है यहां पर चॉकलेट भी और मुन्ना यहां पर गुलाब भी
दोनों को 2400 रुपए में बेचता है। चॉकलेट भी 2400 में बेचा, गुलाब भी 2400 में बेचा, ठीक है। चॉकलेट जब वो बेचारा बेचा तो चॉकलेट पे उसको 20% का फायदा हो गया, वो गुलाब कितने परसेंट के नुकसान पर बेचेगा कि टोटल जब वो बेचारा घर जाएगा तो देखेगा कि उसको ना लाभ हुआ है ना नुकसान हुआ है, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर कि आप ऐसे सवाल कैसे बना पाएंगे। आपको एक सिंपल सा मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको यहां पर फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आप बोलेंगे सर ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ना ही हमको प्रॉफिट हुआ ना ही हमको लॉस हुआ। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है? जब आपका जितने का सामान आपने खरीदा है आप उतने ही में बेचेंगे तभी तो होगा। अगर मान लो मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए में वो बिक गया तभी तो ना हमको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यानी अगर हम बात करें तो पहले आर्टिकल की बात करते हैं फिर उसके बाद हम दूसरे वस्तु की बात करते हैं, ठीक है। और सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ध्यान नहीं रहेगा ना तो एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान रखो पहले वाले आर्टिकल को कितने पे बेचे हो तो बोलोगे सर 20% के प्रॉफिट पे। तो यहां पर हम उनका क्या लिख दे रहे हैं, क्रय मूल्य, और यहां पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य। पहले वाले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे और 20% का बट्टा होता है 1/5, तो आप बोलोगे सर 5 रुपये का सामान था तो हम उनको कितने में बेचे थे, 6 रुपया में बेचे थे। कितने में बेचे थे तो 6 रुपया में बेचे थे। साथ में आपको यह भी बोला गया है कि दोनों आर्टिकल को आपने बराबर कीमत पे बेचा था, यानी अगर दूसरे वाले को भी 6 रुपए में बेचा था तो पहले वाले को भी 6 रुपए में, यानी इन दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। इस हिसाब से दोनों आर्टिकल्स बिके कितने के तो बोलोगे 12 रुपए में, ठीक। और सवाल में आपको एक ही बात बोला गया है कि ना ही आपको लाभ हुआ है ना ही आपको नुकसान हुआ है, यानी अगर आपने 12 रुपए में बेचा है तो आपने खरीदा भी कितने में होगा, तो 12 रुपए में आपने खरीदा होगा, ये आपको बोला है, ठीक है। जितने में बेचोगे उतने ही में खरीदोगे तभी तो टोटल ना लाभ होगा ना नुकसान होगा। अब पहले का क्रय मूल्य तुम्हारा 5 रुपए है और दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर 12 रुपए है तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना होगा, 7 रुपए। एकदम आपकी सीढ़ी जो है वो इधर की तरफ चली है, ऐसे चली है, और सवाल में आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल में आपको बोला गया है कि बताओ जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ, ठीक है। बोला गया देन व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल, दूसरे पर नुकसान हुआ वो कितने का हुआ। आप मुझे बताओ जो 2400 रुपए दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो बोलोगे सर ये 2400 रुपए प्रत्येक वस्तु का क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, यानी ये 2400 जो है वो कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये जो 2400 रुपए है ये 6 यूनिट का मान है। कितने का मान है, 6 का। और बोला गया है दूसरे आर्टिकल पर नुकसान कितने का हुआ, तो 7 रुपए का सामान था 6 रुपए में बेचे तो नुकसान जो हुआ वो 1 का हुआ, तो काटेंगे तो कितनी बार में, 400 बार में, 400 आंसर होगा। इस सवाल को आप ऐसे ना करके इससे और कम समय में भी कर सकते थे, और वो कैसे कर सकते थे वो समझो, सीधा का सीधा पहला डेटा लेते और पहले से ही आपका आंसर आ जाता। अब कैसे आता आप बोलते, तो देखो आप ऐसे सवाल को कर सकते थे, आप बोलते सर पहले वस्तु पर 20% का लाभ है, यानी 5 रुपए के वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ठीक। पहले और दूसरे का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, यानी अगर पहले का सेलिंग प्राइस 6 है तो पक्का दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 6 होगा। यहां पर कितने का प्रॉफिट कमाए हैं, तो 1 रुपए का, तो यहां पर नुकसान भी हमारा 1 रुपए का होगा, तभी तो ओवरऑल हमें ना ही प्रॉफिट मिलेगा ना ही लॉस मिलेगा, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो सवाल में जो 2400 दिया गया है वो क्या दिया गया है, दोनों में से किसी एक का विक्रय मूल्य यानी 2400 6 का मान है, और बोला गया दूसरे पर नुकसान कितने का है, तो 1 यूनिट का, यानी हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें 1 का लाभ है और इसमें 1 का नुकसान है, 1 का लाभ था तो ये 6 हो गया, 1 का नुकसान है तो ये 7 होगा, इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हो। क्योंकि कल के दिन आपका एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरे पर कितने प्रतिशत का नुकसान था, तो 1 का नुकसान 7 के ऊपर 14 सही 2/7 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी कंसेप्ट पर आपका अगला साल सीजीएल 2018 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। सवाल में आपको बोला गया है कि आपने दो आर्टिकल्स को 975 रुपए के दाम से आपने उसको क्या किया है, बेचा है। पहले पर आपको 30% का फायदा होता है, दूसरे पर आपको 25% का नुकसान होता है, ओवरऑल गेन या प्रॉफिट क्या होगा बता दो। अब मैं आपसे यही बात मैं डियर कहना चाहता हूं कि ऐसे सवालों में आप देखो अब आपके जो परसेंटेज है वो अलग अलग आ चुके हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले को 20% का फायदा और दूसरे को 20% का फायदा, अब ऐसा नहीं है। पहले को 30% के फायदे पर बेच रहे हो और दूसरे को 25% के नुकसान पर, और तब आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है बताओ बेटा
टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। और कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट यह है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। चैलेंज ठोक के कहता हूं आपको कि जो अप्रोच मैं बता दूंगा ना, आपको पूरे यूट्यूब पर या पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई नहीं बताएगा, इस बात का ध्यान रखो। जिस कंसेप्ट के सवाल मैं आपसे बनवा रहा हूं और जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा ना, ये फ्री बैच में, आपको पेड बैचेस में भी ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे किसी के भी, ध्यान रख लो। अनअकैडमी हो गया या दुनिया की कोई ऐसी एप्लीकेशन हो गई, जाओ एक बार उनका पेड कंटेंट निकालो और एक बार यूट्यूब का ये कंटेंट देखो, मिलाकर देखो, आपको लाख गुना बेहतर ये कंटेंट आपको लगेगा, ठीक है। तो डेली लाइव रहा करो शाम को 8:30 बजे, अगर कुछ सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है, तो कहते हैं ना कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तो बस आपको वही जो जुनून है वो रखना है अपने अंदर, ठीक है, और कुछ अच्छा करना है, ठीक। डेली शाम 7 बजे, डेली शाम जो है 8:30 बजे लाइव रहा करो और सेशन को अटेंड किया करो, ठीक। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले सवाल में, दोनों का क्या बराबर है, तो दोनों का जो है वो विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब बात करते हैं यहां पे, तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये हमारा क्या है, दूसरा आर्टिकल है। ये पहला आर्टिकल है ये, ठीक है, और वो क्या है, दूसरा आर्टिकल है, ठीक। अब बात कर लेंगे यहां पर पहले और दूसरे आर्टिकल की, तो पहले पर नुकसान और फायदा कितने का है, तो बोलोगे सर 30% का फायदा है, यानी 10 रुपए का सामान कितने में, तो 13 रुपए में, ठीक है। अब दूसरे पर बात कर लो, तो दूसरे पर नुकसान कितने का है, तो 25% का है, 25 का बट्टा 1/4 होता है, यानी 4 रुपए का सामान कितने में, तो 4 रुपए का सामान 3 रुपए में। अब सवाल में आपको बोला गया है कि आपका जो दोनों का विक्रय मूल्य है वो बराबर है, यानी ये 13 और 3 बराबर है, मतलब यहां पर ये मान 13 रख रहा है, यहां पर ये मान 3 रख रहा है, हमको क्या करना है, हमको दोनों को बराबर करना है, हमको दोनों को बराबर करना है। तो हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे 13 वाले को हम जो है वो 3 से गुना करेंगे और 3 वाले को हम किससे गुना करेंगे, 13 वाले से। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि इनको आमने सामने गुना कर दो, इनको आमने सामने गुना कर दो और इनको आपस में गुना कर दो। जब इनको आपस में गुना करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 39, ऊपर वाला भी 39, नीचे वाला भी 39, और आमने सामने गुना करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 × 10 = 30, 13 × 4 = 52। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा मेरे भाई इसीलिए किया ताकि हम इनके क्या कर सके, विक्रय मूल्य को बराबर कर सके। अगर विक्रय मूल्य को बराबर नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर कुल लाभ या कुल हानि नहीं बता पाएंगे, इस वजह से हमने यहाँ पर इनके विक्रय मूल्य को बराबर किया है, 3 को 10 के साथ गुना करके 30, 13 को 4 के साथ गुना करके 52। अब हमने टोटल सामान को खरीदा कितने में, तो आप बताओ 52 रुपये और 30 रुपये, यानी हमने खरीदा इनको 82 में, और दोनों को बेचा कितने में, तो 39 का 2 गुना, यानी हमने बेचा है उनको 78 में, पहले को 39, दूसरे को 39 बेचा कितने में, 78 में। नुकसान कितने का है, तो बोलोगे सर 4 रुपए का नुकसान, 4 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर, तो 82 के ऊपर, 4/82 × 100, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काटिए तो 2 बार में, 2 से काटिए तो 41 बार में, यानी 200/41। अब 200/41 आप करोगे तो 5 गुने से थोड़ा सा कम आएगा, और 5 गुने से थोड़ा सा कम 4.9 दिख रहा है, नुकसान है कि फायदा है, तो बोलोगे 4.9% का क्या है, लॉस है, क्योंकि आपका 41 का 5 गुना जो होगा वो कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, और ये संख्या 205 से छोटी है, यानी हमारा आंसर 5 से थोड़ा सा कम होगा, 5 से एक ही ऑप्शन कम है, वो है 4.9, और वो लॉस में है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत शानदार भाई, सभी को याद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, सीजीएल 2020 का पूछा गया है, अपडेट कर दिया है आप लोगों के लिए हमने, ठीक है, कि जो 2020 में क्वेश्चन पूछेगा वो भी हमने डलवा दिया है सेम पैटर्न पे। बोला गया है सवाल में कि दो वस्तु है और दोनों को 10,591 में बेचा जाता है, पहले पर 19% का फायदा होता है, दूसरे पर 11% का लॉस होता है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस आपको बता देना है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो है आपको बता देना है कि कुल मिलाकर लाभ कितने का हुआ या हानि कितने का हुआ, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको इस सवाल को करना है, कोई शक की बात नहीं है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, नए पैटर्न पर पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी को जरूर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका आंसर जरूर देना है, ठीक। चलिए अब ये सीपी सेम और एसपी सेम के टाइप तो हमने सभी पढ़ लिए, अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आया है सीजीएल 2020 का, ये भी देख लो मेरे भाई, ठीक है, सेम कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन आया है सीजीएल 2020 में, सेम कंसेप्ट पर कि एक ट्रेडर 2 आर्टिकल को खरीदता है, बॉट 2 आर्टिकल, तो ये सीपी सेम का है, ये क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सीपी सेम में आएगा, इसको हटा देते हैं। अब तीसरा जो कंसेप्ट बचता है वो हमारा बचता है कि यदि पहले वस्तु का
क्रय मूल्य बराबर हो दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के। ठीक है, इस पर इस बार के सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में इस बार के एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप सभी कि ये सीजीएल मेंस में ज़रूर आएगा और साथ में यूपीएसआई में भी आएगा, 100% ये संभावना तय है। आप कहते हैं किसी वस्तु को सीपी वन पे खरीदा, एसपी वन पे बेचा, सीपी टू पे खरीदा, एसपी टू पे बेचा, तो सवाल में बोलेगा पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल बताइए कुल लाभ या कुल हानि कितने का होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसी बार के पेपर का क्वेश्चन है 2020 का, सवाल देखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है एक दुकानदार दो वस्तुओं को बेचता है। ठीक, पहले पर जो बेचता है, देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम, पहले का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे के क्रय मूल्य के। पहले आइटम को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे आइटम को 10% के नुकसान पर बेचता है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा हमें ये बताना है। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा हमें ये बताना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सीपी हो गया, यहाँ पर ये हमारा एसपी हो गया। ठीक, अब पहले आर्टिकल की बात करते हैं, तो पहले आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20%। 20% कितने के बराबर, तो 1/5 के बराबर। तो आप बोलेंगे सर पहले वाले को 5 में खरीदा था तो कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। फिर उसके बाद दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे मतलब यहां पर इसको 10 रुपए में खरीदा है तो 9 रुपए में बेचेंगे। साफ तौर पर ऐसा सवाल में बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि पहले का देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम, पहले आइटम का सेलिंग प्राइस बराबर होगा दूसरे आइटम के कॉस्ट प्राइस के। ऐसा सवाल में बोला गया है कि पहले का विक्रय मूल्य बराबर होगा दूसरे के क्रय मूल्य के। अब देखो जब भी दो लोगों को बराबर करना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, जब भी दो लोगों को बराबर करना होता है तो हम उनका एलसीएम लेके बराबर करते हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 6 है और ये 10 है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो आप 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, आएगा 30, यानी 6 वाले को कितने से गुना करेंगे तो 5 से, और 10 वाले को कितने से गुना करेंगे तो 30 से। जब ये दोनों रेशियो में है, जब ये दोनों बट्टे में है, तो ऐसा तो है कि ये 5 अकेला 6 को गुना कर देगा, नहीं, 5 आपका 5 को भी गुना करेगा, 5 आपका 6 को भी गुना करेगा, उसी तरीके से 3 आपका 10 को भी गुना करेगा, 3 आपका 9 को भी गुना करेगा। तो जब ये 5 इस 5 को गुना करेगा तो ये बन जाएगा 25, जब ये 5 इस 6 को गुना करेगा तो बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा हमारा कितना, तो ये बन जाएगा हमारा 30। ठीक है, उसी तरीके से जब ये 3 इस 10 को गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और 3 से जब 9 में गुना लगाएंगे तो बन जाएगा आपका ये 27। तो आप ये बात कह पाएंगे कि पहले वस्तु को 20% के फायदे पर यानी 25 रुपए का सामान था तो 30 में बेचे, फिर दूसरे वस्तु को 10% के नुकसान पर यानी 10 रुपए का सामान था तो 9 रुपए में बेचे। पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है जो कि हमारा रेशियो से हो चुका है। अब हमसे सवाल में बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा तो बता दो। एकदम सवाल आसान हो गया कि नहीं, 30 और 25 कितने का, दोनों को खरीदा 55 में, और 30 और 27 कितने का, तो बोलोगे दोनों को खरीदा और बेचा कितने में, 57 में। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है तो 55 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 57 रुपए। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो बोलोगे सर फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, तो 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने के ऊपर, तो 55 के ऊपर, तो 2/55 × 100, 2/55 × 100% आपका आंसर है। 5 से काटिए 11 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, बोलेंगे सर 40/11%, 40/11% कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। तो ये आपका जो था वो थर्ड कंसेप्ट था, जब पहले वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के। इस तरीके से आपके टोटल तीनों कंसेप्ट होते हैं खत्म। ठीक है, ये उम्मीद है आप सभी से कि आप ऐसे कंसेप्ट पर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और साथ में जाते जाते आप सभी को एक स्पेशल बैच बता दें, जितने भी बच्चे हैं जिनका इस बार जीडी का पेपर है या फिर आपके यूपीएसआई का पेपर है या एनटीपीसी सीबीटू का पेपर है टीयर 2 का, और जो अगले 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम फिर से दोबारा से देख लीजिए, आरजी विक्रमजीत है। एक मिनट रुक जाओ बस,
एप्लीकेशन का नाम हमारा है आरजी विक्रमजीत। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर आप जो है मैथ्स का कंप्लीट VOD बैच ले सकते हैं 699 रुपए में। आपका पेपर जो है वो ज़्यादा कीमती है, ये 699 रुपए कीमती नहीं है, ठीक है। पूरा पढ़ा रखा है इसमें, कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर्स के शीट डाल रखे हैं और अपडेटेड डाल रखे हैं, तो परीक्षा में ऐसा कोई भी सवाल छोड़ के मत जाना जिससे गलती हो सकती है या जिससे सिलेक्शन रुक जाए, इस बात का ध्यान रखो। नौकरी लग गई तो करोड़ों कमा लोगे, ठीक है, और नौकरी ना लगी तो शायद इस वक्त के लिए पछताते रह जाओगे। तो कोई ऐसी कसर मैथ्स में मत छोड़ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी भी पॉइंट की ज़रूरत होगी, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो खुलकर पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है। और बाकी इस बैच में मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, तो यहाँ से आप पूरी मदद अपने लिए ले सकते हैं। फीस भी कोई ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो जिसको आप अफोर्ड ना कर पाएँ, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, वीओडी बैच। और जो स्टूडेंट लाइव बैच अटेंड करना चाहते हैं, डेली प्लस कोर्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो जो है सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कहाँ, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। और वहाँ से नया बैच स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर को, शेरसा मैथ स्पेशल बैच, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी फीस कितनी है, तो 699 रुपये। साथ में जो भी हम पढ़ाते हैं वो सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम पर जो है आप यहाँ ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे दो टेलीग्राम हैं, ठीक है भाई। मन लगाकर पढ़ते रहिए, आप सभी को हमारी तरफ से बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे की एडवांस में ही बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, टाइमिंग 7 बजे से 8:30 बजे इंग्लिश की है और 8:30 से 9:30 मैथ्स की है, तो रेगुलर रहा करेंगे, अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहेंगे। और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।